हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उतरी थी आईएसएल सीजन 10 के पहले मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में। आज रात 8 बजे से ये मैच शुरू हुआ था। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शुरुआती मिनट से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रही थी मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ। तो दोस्तों, मिडफील्ड बैटल ये कहना ही पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम ने जीता है। मोहम्मद अली बी मैमर, रोमिन फिलिफुटू, फाल्गुनी सिंह मिडफील्ड में बिल्कुल कंट्रोल ले रहे थे। पहले हाफ के बारे में अगर बात करें और काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलती हुई नज़र आ रही थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। बॉल पोजीशन ज़रूर मुंबई सिटी एफसी के पास था, लेकिन दोस्तों जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो रहा था वो हो रहा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। और तारीफ करनी पड़ेगी जुआन पेद्रो बिनाली की, जो उन्होंने इस प्रकार के प्लेइंग 11 को मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ उतारा। तो दोस्तों, शुरुआती मिनट में ही मुंबई सिटी एफसी के स्ट्राइकर होरे फेरेरा डियास गोल स्कोर करके मुंबई सिटी एफसी को आगे कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कमबैक करती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। 20 ईयर्स ओल्ड इंडियन अपकमिंग स्टार पार्थिव गोगोई का एक शानदार फिनिश आता है, वर्ल्ड क्लास फिनिश आप उसे कह सकते हो। और इस गोल के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम ने इस मैच में बराबरी किया था, लेकिन उसके कुछ मिनटों बाद ही फिर से होरे परेरा डियाज मुंबई सिटी एफसी को आगे कर देते हैं। और फर्स्ट हाफ का खेल 2-1 से ही खत्म होता है, और सेकेंड हाफ शुरू होते ही भाई क्या परफॉर्मेंस हो रहा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। लगातार अटैकिंग फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने बिल्कुल डोमिनेट किया है आज के इस मैच को। हार जरूर गई है 2-1 से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, लेकिन दोस्तों जो ओवरऑल गेम प्ले होता है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से शानदार देखने को मिला है। मुंबई सिटी एफसी का जो नेचुरल गेम प्ले होता है वो खेलने से बिल्कुल रोक दिया है जुआन पेद्रो बिनाली की टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। खासकर मिडफील्ड बैटल तो शानदार जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर्स। अगर खासकर बात करें मोहम्मद अली बी मैमर के बारे में, इनका मैच कंट्रोल लाजवाब रहा पूरे 90 मिनट में। फाल्गुनी सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस किया है फर्स्ट हाफ में, रोमिन फिलिफुटू का भी परफॉर्मेंस लाजवाब रहा था, और पूरे 90 मिनट में कॉम्पैक्ट डिफेंस करती हुई नजर आ रही थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और यासिर हामिद का ये डेब्यू मैच था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए भी और आईएसएल के लिए भी। तो दोस्तों, यासिर हामिद का भी गेम बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ सिली मिस्टेक देखने को जरूर मिला है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को गोल भी कंसीड करना पड़ रहा था। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ओवरऑल गेम प्ले शानदार किया है, और मेरे हिसाब से इस टीम से आप होप कर सकते हो कि वो आने वाले आईएसएल सीजन 10 में लाजवाब परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी हम सभी को। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।